see them. डरा दिया क्या मैंने तुम्हें? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। दोस्तों, इस सूरत हाल को लेकर मैं सच में बहुत परेशान हूँ और कुछ बच्चों के वालदेन भी परेशान होने लगे हैं इस बात पर, क्योंकि बच्चों का मामला है, परेशान होना बनता है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सर, अगर सच कहूँ तो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ सब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, हम पे। चिदम्ब को दूसरों से अलग नहीं कर सकते। घर के मसलों से स्कूल की लाइफ पर जो असर पड़ रहा है उसकी जिम्मेदार चिदम्ब नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये बच्ची ऐसी क्यों है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, एक छोटी बच्ची खानदान के सारे मसले हल करेगी क्या? असल मसला ये है फरीद यावुस, उसके खानदान में क्या चल रहा है इसके जिम्मेदार हम नहीं है। अगर उनका कोई आपस में मसला है तो वो खुद हल करें, हम क्यों परेशान हों उनकी वजह से। देखिए सर, सिर्फ एक टीचर ही नहीं, एक आम शहरी को भी ऐसी सूरत हाल में एक बच्चे की मदद करनी चाहिए। आप चाहे जितनी भी मुखालफत क्यों ना कर लें, लेकिन मैं जाती तौर पर जितना हो सका चिदम्ब की मदद करता रहूंगा। सर फरीद, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप इस बिहेवियर के साथ। आपका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है सर, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं स्टूडेंट्स के साथ ही हूँ।